जायल विधायक मंजू मेघवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2000 में निविरोध पंचायत समिति सदस्य चुने जाने के साथ शुरू की। इसी के साथ निविरोध प्रधान भी निर्वाचित हुई और प्रधान का कार्यकाल पूरा होते ही विधानसभा चुनाव में दावेदारी जताई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी। इसके बाद महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बनी और फिर साल 2008 में जायल विधानसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दी और मुकाबला भाजपा की मंजू देवी से हुआ। चुनाव हुए और जब परिणाम आए तो यह चुनाव मंजू मेघवाल ने करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीत लिया और पहली बार राजस्थान विधानसभा पहुंची। इसके बाद साल 2013 का विधानसभा चुनाव में मंजू मेघवाल को फिर से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया और मुकाबला फिर से भाजपा की मंजू बागमार से हुआ। चुनाव हुए और जब परिणाम आए तो यह चुनाव मंजू मेघवाल भाजपा से करीब 13,000 वोटों के अंतर से हार गई। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से लगातार तीसरी बार मंजू मेघवाल को उम्मीदवार बनाया और इस बार मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अनिल से हुआ और यह चुनाव करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीत फिर दूसरी बार मंजू मेघवाल राजस्थान विधानसभा पहुंची।